अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज फिर आप लोग के लिए गेमिंग का गैजेट लेके आ चुका हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और यहाँ पे आज हमारे स्टूडियो में जो है भाई, यहाँ पे DL16 एक फ़ोन कूलर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लेवल की, एक नेक्स्ट लेवल आपको जिसको कहते हैं ना, वो वाला यहाँ पर फ़ोन कूलर हमारे पास निकल के आता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है भाई इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं बॉक्स के अंदर। और इसका जो कूलर है वो भाई आपका फ़ोन को यहाँ पे ठंडा करता है या नहीं करता, सारी चीज़ें आगे चल के आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। वैसे रिसेंटली मैंने ये मेमो का जो एक आता है DL05, इसको भी अनबॉक्स किया। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वाला भी कूलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी का है, तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन आज हम इसी की बात करने वाले हैं, तो ये वाला जो है भाई ये नेक्स्ट लेवल की एक चीज़ है। अब वीडियो को शुरू करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर में क्या कंटेंट, क्वालिटी और यहाँ पे जो इसके फीचर्स हैं वो हमें क्या देखने को मिलते हैं। वैसे आप लोग को इसको चंद एक चीज़ा इसके फीचर बताता हूँ। एक तो भाई इसके ऊपर टेम्परेचर का डिस्प्ले भी आता है, दूसरा ये भाई AI पावर्ड है, मीन्स कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पे काम करता है। आगे चल के वीडियो में इसको सारा डिटेल में आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आज भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, या नीचे एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, आप लोगों ने उसको प्रेस कर देना है, हल्का सा प्रेस करना है, इतना ज़ोर का नहीं करना कि मोबाइल की स्क्रीन ही टूट जाए, बस आप लोगों ने उसको प्रेस कर देना है। और साथ एक बेल का आइकन आ रहा होगा, आप लोगों ने उसको प्रेस कर देना है। और अगर आप मुझे मज़ीद फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम अवेलेबल हैं, आप हमें वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपनी अनबॉक्सिंग टेबल की तरफ आ चुके हैं। और आज जो हमारे पास यहाँ पे कूलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक प्रोडक्ट है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग गेमिंग करते हैं। ये जो कूलर है भाई ये DL16 मॉडल है और ये AI कूलर है। आगे चल के इसकी आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। बॉक्स जो है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे तो सबसे पहले आपको एक अदद जो है केबल देखने को मिलती है जो कि टाइप सी वाली है। और इसकी जो क्वालिटी है भाई वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे लेंथ भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। बॉक्स के अंदर भाई आपको जो है एक अदद यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है, चाइनीज़ के अंदर भी है और इंग्लिश के अंदर भी है। शॉपर से निकालते हैं इसको और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कूलर की जो फर्स्ट लुक है वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है। फ्रंट से आपको कुछ यहाँ से शाइनी किस्म का प्लास्टिक देखने को मिलता है। चारों साइड पे आपको इसकी जो वेंट्स देखने को मिलती हैं। क्लिप जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी का देखने को मिलता है। और बैक तरफ आपको यहाँ पर इसकी कूलिंग प्लेट देखने को मिल जाती है। एक इधर आपको यहाँ पर छोटी सी स्क्रीन भी देखने को मिलती है। और भाई इस कूलर को मैंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर चेक किया है, इसकी जो पावर है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि भाई ये कूलर जो है आपके फ़ोन के बैक साइड पे जो है बकायदा तौर पे बर्फ़ भी जमा देगा। या सामने की तरफ आपको एक अदद पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। अब हम लगाते हैं इसके अंदर केबल और कुछ आपको इस तरह की जो है यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलती है। ऑन करते हैं तो भाई ये नॉर्मल मोड है, इसके अंदर ये कूलिंग इसने करना शुरू कर दिया। आप लोग देख सकते हैं 21 टेम्परेचर, 19, देखते हैं कि ये मिनिमम कितने कम टेम्परेचर पे जाता है। तो यहाँ पे कूलर का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है और यहाँ पे बकायदा तौर पे मुझे ठंडक भी फील होना स्टार्ट हो गई है। 12 पे जा चुका है। इसके बाद इसके अंदर आपको दो मोड और भी देखने को मिलते हैं, वो भी आप लोग को चेकआउट करवाता हूँ, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये किस टेम्परेचर तक यहाँ पर नीचे जाता है। 9 हो गया है, 8 हो गया है, 7 हो गया है। तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बकायदा तौर पे जो है कूलिंग जो है यहाँ पे आना शुरू हो चुकी है।
7 डिग्री जो है यहाँ पे इसका टेम्परेचर आ रहा है, और बाकायदा तौर पे मुझे यहाँ पे एयर जो है यहाँ पे निकलती हुई भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको LED लाइट्स भी देखने को मिलती हैं, यहाँ पे RGB लाइट्स जो हैं उसका यहाँ पे दिखाया गया, और इसका जो फ़ैन है उसकी भी क्वालिटी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। 6 डिग्री पे आ चुका है, 5 पे आ गया है। यहाँ पे आप लोग सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे आइस जो है यहाँ पे आना शुरू हो गई है। अब हम चलाते हैं इसका दूसरा मोड, इसको एक और दफ़ा प्रेस करेंगे तो भाई अब ये बहुत ही फास्ट मोड के अंदर आ गया है। देख सकते हैं 1 पे आ गया है डायरेक्ट, अब 0 पे आ गया है, अब ये माइनस में भी जाना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे बाकायदा तौर पे आपको ड्रॉपलेट्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। -1 डिग्री के ऊपर आ चुका है, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ भाई कि ये देखें, आप लोग को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है भाई वाटर ड्रॉपलेट्स आना शुरू हो गए हैं। -1 डिग्री के ऊपर -2 डिग्री हो गया है। भाई आप खुद सोचें कि जिस टाइम आप इसको आईफोन पे लगाएंगे जो कि ओवरहीट हुआ होगा, तो वो कितना एक इसको यहाँ पे ठंडा करेगा। आप इससे लगातार गेमिंग कर सकते हैं, आपको मसला ही नहीं होने वाला। और ये जो कूलर है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है, और मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आई है, क्योंकि गेमिंग जो लोग करते हैं ना, और आपको पता है गर्मियों का सीज़न है पाकिस्तान में, आपको पता है गर्मी टॉप की पड़ रही है, तो भाई ये कूलर आप लोग को लाजमी लेना चाहिए, बहुत ही यूनिक किस्म की प्रोडक्ट है। -2 डिग्री पे आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी भी यहाँ पे आना शुरू हो गया है, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास तीसरा मोड भाई, तीसरा मोड हम इसको एक और दफ़ा यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड पे आ गया है। मींस कि अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा मोबाइल फ़ोन का टेम्परेचर और अपना टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, और उस हिसाब से जो है ये फ़ोन कौन को ठंडा जो है ये करेगा। AI मोड के अंदर भाई ये ऑटोमेटिकली जो है फ़ोन के टेम्परेचर को सेंस करके उस हिसाब से जो है फ़ोन को ठंडा गर्म करेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है। अगर आप दोस्तों इस गैजेट की बात करते हैं प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 4800 देखने को मिलती है, और जो इसकी प्राइस है उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आप लोग जो लोग गेमिंग वगैरह करते हैं तो उनको ये कंसीडर लाजमी करना चाहिए, और मुझे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ पसंद आई है। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग को ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कैसी लगी है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और नंबर प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी आप लोग को नंबर चलते नज़र आ रहे होंगे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। होप सो आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।